पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित करने की खबरों के बीच अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि केंद्र की पिछली यूपीए सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था। उमर ने ट्विटर पर लिखा है कि राजनीति से ऊपर उठते हुए बीते 10 सालों में यूपीए ने वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान ना देकर मौका गंवा दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ ताजा सरकार चला रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला बीते दिनों कांग्रेस पर सत्ता की राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। राज्य के विधानसभा चुनावों में भी दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव में हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर में 23 दिसंबर को मतदान होना है और इस बीच उमर का यह बयान आया है। एग्जिट पोल की माने तो घाटी में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अच्छा होता अगर यूपीए अपने कार्यकाल में ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देती, मगर यह जो सच्चाई आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, यह अच्छा होता अगर जब वो यूपीए के पार्ट थे उस समय इस सुझाव को वो कांग्रेस में रखते, वो यूपीए में कहते। आज जब उनकी खुद की नैया डूब रही है, आज जब चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, तो वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उसको किसी और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व हमारे लिए प्रेरणादायी है। इस देश का विकास हो और विकास के साथ सुशासन आए, ये उनकी संकल्पना थी। हमारा देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो और सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान का उनका सपना था। और वो एक देशभक्त हैं और स्वाभाविक रूप से यही चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और सुशासन का ये सपना हम पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए 25 तारीख को हम सुशासन डे मना रहे हैं। उसके पीछे अटल जी का सपना पूरा करने की ही संकल्पना सबके मन में है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।